राज्यपाल कलराज मिश्र ने ईद उल फितर के मुबारक मौके पर मुबारकबाद दी है। राज्यपाल ने कहा कि इस पावन दिवस पर अल्लाह से क्षमा मांगना पुनीत कार्य होता है। सभी लोग घर पर रहकर ही इस त्यौहार को मनाएं, अल्लाह से दुआ मांगे कि देश और प्रदेश जल्द ही कोरोना से मुक्त हो। कलराज मिश्र ने यह भी कहा कि हमारी विविधता ही हमारी ताकत है, हमें एकजुट होकर देश में सांप्रदायिक सद्भाव और एकता की भावना सुनिश्चित करनी चाहिए। रमजान का नेक महीना दान, रोजा और प्रार्थनाओं के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर सभी को मिलजुल कर समाज की सेवा का संकल्प लेना चाहिए। आदाब, मैं आप सभी को दिल से रमजान और ईद के मौके पर मुबारकबाद देता हूं। रोजा इंसान को इंसानियत सिखाता है। रोजा व्रत ही नहीं है, यह हमें अपने साथी इंसानों के दर्द का एहसास कराता है। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करने का साहस पैदा करता है। मैं दुआ करता हूं कि इस मुबारक महीने में आप सभी की जायद तमन्ना पूरी हो। इस पावन दिवस पर अल्लाह से क्षमा मांगना पुनीत कार्य होता है। सभी लोग घर पर रहकर इस त्यौहार को मनाएं, अल्लाह से दुआ मांगें कि देश और प्रदेश जल्द ही कोरोना से मुक्त हो सके।